हेलो फ्रेंड्स, क्विक एंड इजी कुकिंग में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है मसाला अरबी। अरबी यानी कि घुया, यानी कि कुचई, यानी कि चीनी दुम्पलू। मसाला अरबी फ्राई ये सूखी सब्जी है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, गोल्डन फ्राइड मसालेदार अरबी की सब्जी। यूजुअली बच्चे इवन बड़े भी अरबी से थोड़ा भागते हैं, चिपकू होती है ना इसलिए। लेकिन आज जो हम सब्जी बनाने वाले हैं वो बिल्कुल चिपचिपी नहीं होगी, मसालेदार, टेस्टी, डिलिशियस होगी। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। हमें चाहिए होगी अरबी, ऑयल, नमक, अजवाइन, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और धनिया पत्ता। इस सब्जी में यूज होने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, आप वहां से ले लीजिए। अरबी को हमें नॉर्मली पानी में डाल के कुकर में बॉईल कर लेना है, जैसे हम आलू को करते हैं, फिर छील कर राउंड स्लाइसेस में काट लेना है। इसकी ट्रिक ये है कि अरबी के मोटे टुकड़े आप मत काटिए, पतले स्लाइसेस काटेंगे तो मसालों का असर उस पर बहुत अच्छी तरीके से आएगा और टेस्ट बहुत अच्छा होगा। यहाँ तक मैंने करके रखा था, अब हम बस तड़का लगाएंगे। सबसे पहले हम ऑयल ले लेंगे, ऑयल थोड़ा सा अच्छा पड़ेगा, और डाल लेंगे अजवाइन। अजवाइन अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, तड़कने लगे, तो डालेंगे हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर। इसमें धनिया पाउडर अच्छी मात्रा में पड़ता है, अमचूर पाउडर और नमक। इसमें मसाले थोड़े ज़्यादा पड़ते हैं। बस अब इनको फ्राई कर लेंगे और बॉइल्ड स्लाइस्ड अरबी को इसमें डाल लेंगे। ये सब्जी बहुत पेशेंस से बनने वाली सब्जी है, 5 मिनट वाली रेसिपी नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि अरबी का चिपचिपापन ख़त्म होना चाहिए और वो ख़त्म होगा जब ये अच्छी तरीके से भुनेगी। तो हमें अलटते पलटते हुए नियरली हर एक अरबी को सेपरेट आउट करना है और उसको धीरे धीरे पलटना है। हम जब इसको पलटेंगे, देखिए कैसे मैं पलट रही हूँ, जब हम इसको पलट रहे होंगे उस समय हम गैस को धीमा रखेंगे और जब हमारे सेटिस्फैक्शन के हिसाब से पलट जाए तब हम गैस को तेज़ मीडियम आंच पे कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको ये काम करना पड़ेगा। ये करते हुए करीबन 15 मिनट में आपकी सब्जी रेडी होगी। देखिए एक साइड की अरबी गोल्डन फ्राई हो गई है, देखिए कितनी सुंदर गोल्डन कलर आया है। अगर आपकी अरबी बहुत ज़्यादा चिपचिपी है तो फ्राई करते समय आप थोड़ा सा बेसन डाल सकते हैं इसमें, इससे इसका चिपचिपापन भी ख़त्म होगा, जल्दी फ्राई भी होगी और स्वाद भी निखर के आएगा। बस अब मेरे हिसाब से अरबी काफ़ी अच्छी फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी और मिक्स करके सर्व करूंगी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फ्राई करा तो भी स्वाद अच्छा नहीं लगता। तो अब हमारे पास कुछ अरबी ऐसी है जो मैश हो गई है, कुछ गोल्डन ब्राउन है और कुछ येलो ही है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं हुई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अगली रेसिपी तक के लिए बाय बाय।